जन जन की यही पुकार। नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा, चुनावी रैलियों में फूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा, तो आकाश के बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। बस चंद महीने की ही देरी है, जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर इम्तिहान के दौर से गुजरेगा। 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल हो चुका है, जय पराजय का फैसला हो चुका है। अब बारी इंद्रप्रस्थ की गद्दी की है, जिसके लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। देश तैयार है, लेकिन सवाल बरकरार है। क्या बीजेपी ने 2024 में जीत पक्की कर ली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं? 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष के पास क्या हथियार हैं? विधानसभा चुनाव के बाद देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। उन सवालों का जवाब जानने के लिए हर हिंदुस्तानी बेकरार है, जो 2024 से 2029 तक देश की सियासत की धुरी बनेंगे। गारंटी पूरा होने की गारंटी। 3 राज्यों में सत्तासीन होकर बीजेपी का जोश बहुत हाई है, पूरे कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या जोश से भरे कार्यकर्ता 2024 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता दिला पाएंगे? विधानसभा चुनाव में भले ही विपक्ष को बड़ी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन क्या इसी के आधार पर 2024 के चुनाव का आकलन किया जा सकता है? विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए तैयार है। बीजेपी क्यों 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कॉन्फिडेंट है? विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ कौन सा सियासी हथियार है? लोकसभा चुनाव में अब करीब 150 दिन ही बचे हैं। उससे पहले विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी में बीजेपी की जबरदस्त जीत सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता पर मुहर ही नहीं है, इस जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर दिया है। ये है मोदी की गारंटी और मोदी का नया जातिवाद। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 3 दिसंबर को 3 राज्यों में बम्पर विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसी दिन 2024 में जीत को लेकर भविष्यवाणी कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी 24 में फिर से सत्ता में वापसी की बात कह चुके हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इसकी सोची नहीं बची। मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता है, जानते हैं कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के कद का कोई नेता नहीं, लेकिन क्या सिर्फ इसी को लेकर 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी की जा सकती है? आखिर बीजेपी के पास ऐसी क्या रणनीति है जिससे पीएम मोदी तीसरी बार ताजपोशी को लेकर मुतमईन है? कहते हैं कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है,
एक चुनाव खत्म होते ही कार्यकर्ताओं को अगला टारगेट मिल जाता है, तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2024 के लिए कार्यकर्ताओं का क्या टारगेट है, कैसे ये मिशन को संपन्न करेंगे, ये जानना भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव तक किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए पूरा फोकस दिल्ली की तरफ कर दिया गया है। बाईस और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर होगी। बैठक में बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक शामिल होंगे। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक की अगुवाई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प अभियान के साथ विधानसभा में मिली बम्पर जीत पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा 2024 के लिए गांव और किसान पर फोकस करने का टारगेट रखा गया है, खासतौर से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की प्लानिंग है। इसके लिए 300 कॉल सेंटर तैयार किए गए हैं। यूपी के हर जिले में एक कॉल सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों तक संपर्क साधने की तैयारी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। 2023 में 60% ज्यादा यानी 35 करोड़ वोट अपने पाले में करने की तैयारी है, इसीलिए गांव पर फोकस किया जा रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें गांव से आती हैं। लोकसभा की करीब 300 सीटें ग्रामीण इलाकों से हैं। छोटे कस्बों को भी मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 350 तक पहुँच जाता है। देश की आधी आबादी गांव में रहती है, जो किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने या सत्ता से बाहर करने की कुव्वत रखती है। देश में होने वाले किसी भी चुनाव में गांव का वोटर की फैक्टर है। अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उसमें खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को, तो नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने भी अपनी जो पकड़ है वो ग्रामीण वोट बैंक में बना रखी है। शायद यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी हो सकती है कि जब तक कांग्रेस के वोट बैंक में से, ग्रामीण वोट बैंक में से वो अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर ले, तब तक ये काम नहीं चलेगा। तो शायद इसीलिए उन्होंने हर गांव चलो गांव की ओर अभियान चलाया है। वैसे आपको ध्यान हो कि ओबीसी, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इजाफा किया है और ये ज्यादातर वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में है। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा पहले ही 5 साल के लिए बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और मुद्रा योजना जैसी कई स्कीम्स हैं, जिसके जरिए बीजेपी मिशन 2024 का विनिंग रूट फाइनल करने की कोशिश में है। 2024 के लिए बीजेपी 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के सबसे ज्यादा सीट के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। 1984 में कांग्रेस को देश के इतिहास में सबसे ज्यादा 404 सीटें मिली थी। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या वाकई बीजेपी लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और ये भी सच है कि पिछले एक दशक में बीजेपी ने उत्तर भारत के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में अपना जनाधार बढ़ाया है। लेकिन क्या सिर्फ इसी की बदौलत 400 से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं? 10 साल से देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं। इन्हीं में एक, राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की जाएगी। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर बीजेपी और आरएसएस भव्य जश्न की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी के दम पर ऐतिहासिक जीत मिल सकती है? ऐसे कौन से समीकरण हैं जिनके सहारे बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है? चुनावी गुणागणित को ऐसे समझना होगा। लोकसभा की करीब 190 सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला होगा। 2019 की 175 सीटों पर बीजेपी पहले तो कांग्रेस 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। वहीं 128 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी पहले, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे नंबर पर थी। लोकसभा की 144 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 3 बार से चुनाव नहीं जीती है। बीजेपी का फोकस इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। ये भी माना जा रहा है कि 2024 में चुनावी जंग का यही पैटर्न रहेगा।
इसीलिए बीजेपी आलाकमान ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि पार्टी को हर बूथ पर कम से कम 51% वोट जरूर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही बीजेपी के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने की जिम्मेदारी इलाके के बड़े नेताओं को सौंपी है। बीजेपी को ये पता है कि बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग और मेहनत के 400 सीटें जीतने का टारगेट हासिल करना आसान नहीं, इसलिए चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में जुट गई है। दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्टियों के सामने तो वजूद बचाने का संकट है। ये और बात है कि कांग्रेस के साथ देश की कमोबेश सभी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया अलायंस बना चुकी हैं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बन सकती है, जिसमें संयुक्त रैली की योजना भी बन सकती है। 24 दिसंबर को वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली होनी थी, जो जगह न मिलने की वजह से कैंसिल कर दी गई। माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में इंडिया अलायंस की संयुक्त रैली को लेकर सहमति बन सकती है। 28 पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन का ऐलान 18 जुलाई को हुआ था, लेकिन अभी तक गठबंधन का नेता तय नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अगले नेता हो सकते हैं? 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, अमेठी छोड़ केरल के वायनाड जा चुके राहुल गांधी की लोकसभा सीट को लेकर CPM ने भी दावेदारी ठोक दी है। 3 दिसंबर को 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद केरल के CM पी विजयन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जबकि CPM नेता MV गोविंदन ने तो राहुल की वायनाड सीट पर CPM की दावेदारी ठोकते हुए कह दिया। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोटों को साथ लाने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई हार चुकी है। कांग्रेस के पास और विकल्प नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कैसे बीजेपी को चुनौती दे सकती है? विरोध की उठती आवाजें इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस को अब ये तो मानकर चलना ही होगा कि उसके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत से उसके कार्यकर्ताओं का हौसला थोड़ा जरूर बढ़ा, लेकिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की हार ने इस पर पानी फेर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई के रोल में रह सकती है? कांग्रेस का वोट बैंक सबसे बड़ा है और वो पैन इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और उसे हर राज्य में कुछ ना कुछ बड़ा वोट मिल रहा है। इसके अलावा जो कम से कम सीटें, 54 सीटें भी वहां पर आई हैं, 50 से ज्यादा सीटें पिछले चुनावों में भी आई, उसके बाद भी उसका जो नंबर है वो सभी सहयोगी दलों से ज्यादा है। तो इसलिए ये समझना कि कांग्रेस जो है वो छोटी पार्टी के तौर पर रहेगी, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी होगी और वो कितना उसको बढ़ा सकती है, उससे उस गठबंधन की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस के लिए मुश्किल यही नहीं है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में तकरार बढ़ सकती है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर मोटी सहमति के मुताबिक 270 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर होगी, जबकि बाकी 270 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के दलों के साथ सीटें साझा करनी होंगी। वैसे इंडिया अलायंस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयारी में जुट चुका है। संयुक्त रैलियों के लिए पटना, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों को चुना जा सकता है। इसके अलावा 3 वर्किंग गुटों की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन मोदी विरोधी अलायंस की असली तस्वीर 3 दिन बाद सामने आएगी। फिलहाल जो सियासी समीकरण है उसमें बीजेपी बढ़त में नजर आ रही है। वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।